तो जैसा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, वो भी डायरेक्टली यूट्यूब के जरिए, तो उसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे यूट्यूब की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। उसके लिए यहाँ पे टाइप कीजिए youtube.com और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब की वेबसाइट पे लेकर जाएगा और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जिस भी गूगल अकाउंट से डायरेक्ट आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो उस गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर दीजिए, यानी कि साइन इन आपको यहाँ से करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक गूगल अकाउंट चूज करने वाला हूँ, यहाँ पे साइन इन विथ डिफरेंट गूगल अकाउंट और यहाँ पे एड अकाउंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा और यहाँ से मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा एडसेंस अकाउंट जिससे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो जीमेल अकाउंट मेरे यहाँ पे ओपन हो चुका है। और जैसा कि आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है वो भी डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, तो उसके लिए आपको इस आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करूंगा और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर स्टूडियो, तो क्रिएटर स्टूडियो पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जो डायरेक्टली आपको पेज पे लेकर आएगा आपको यहाँ पे दिख सकता है ये पेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस पेज पे डायरेक्ट आपको लेकर चलाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं चैनल का, तो चैनल पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जो ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे व्यू मोनेटाइजेशन, उससे पहले आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन को एनेबल करना पड़ेगा। तो मोनेटाइजेशन जब तक आप इसे एनेबल नहीं करते हो तो आपको इस तरह के एनेबल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे एनेबल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनेबल मिलेगा जो कि आपको एनेबल्ड इससे करना होगा। यानी कि इस टॉपिक में मैंने डिटेल्स में, यानी कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप इससे कैसे एनेबल्ड कर सकते हो और एनेबल्ड करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको व्यू मोनेटाइजेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए और डायरेक्टली आपको इस पेज पे लेकर चलाएगा और यहाँ पे सेटअप एडसेंस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सेटअप एडसेंस यानी कि टू अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोस यू नीड एन एडसेंस अकाउंट, यानी कि आपको मेक मनी के लिए, यानी कि यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, वीडियो से पैसे कमाने के लिए आपको एडसेंस के साथ इससे कंबाइंड करना होगा। तो यहाँ पे सेटअप एडसेंस आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे सेटअप एडसेंस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे कुछ गाइडलाइंस है सभी को आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए कुछ परमिशंस वगैरह मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है कि आपको 18 साल से ज्यादा एज का होना चाहिए और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले अगर आप चाहते हो इनके पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना तो इन सभी को पढ़ सकते हो और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद मैं देखता हूँ मुझे किस पेज पे लेकर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पेज पे लेकर चला था और यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्टली आप इसे साइन इन करना चाहते हो तो डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो खास अकाउंट क्रिएट करना, यानी कि खास गूगल अकाउंट क्रिएट करना और उससे साइन इन करना, तो वैसा भी आप यहाँ से कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट गूगल अकाउंट के साथ इसे साइन इन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसी गूगल अकाउंट को यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ साइन इन का ऑप्शन हमें मिलता है, तो साइन इन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको यहाँ पे इस पेज पे लेकर चलाएगा और यहाँ पे फर्स्ट यानी कि योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हूँ और यहाँ पे आपका वेबसाइट या फिर आपके यूट्यूब चैनल का जो URL वो शो करेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ और डायरेक्टली मैं यूट्यूब से इसे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे यूट्यूब का URL लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे कंटेंट यानी कि कंटेंट लैंग्वेज आपको चूज करना है। तो फिलहाल मैं हिंदी चूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जितने भी वीडियो होता है वो सभी हिंदी में होता है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन हमें मिलता है, तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कई सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद यहाँ पे कंट्री, तो कंट्री आपको चूज करना है जो कि डायरेक्टली मुझे इंडिया पे शो करा है तो मैं इसे चेंज नहीं करने वाला हूँ। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं तो इसे कंट्री वाइज चूज कर सकते हो और नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं टाइम जोन, तो टाइम जोन आपको चूज करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन चूज करने वाला हूँ। आप जिस भी कंट्री से हो वहां का आपको यहाँ पे टाइम जोन चूज करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे देखता हूं मैं इंडिया का टाइम जोन 5:30 और यहाँ पे मुझे इंडिया का टाइम जोन मिल गया। यहाँ पे 5:30 यहाँ पे कोलकाता का टाइम जोन है जो कि इंडिया का है और यहाँ पे आपको मिलेंगे अकाउंट टाइप, तो आप इससे इंडिविजुअल यानी कि अपने लिए बनाना चाहते हो या फिर यहाँ पे बिजनेस यानी कि किसी बिजनेस पर्पज के लिए आप इसे क्रिएट करना चाहते हो, तो फिलहाल के लिए मैं इंडिविजुअल चूज करने वाला हूँ क्योंकि मैं अकेला इस यूट्यूब चैनल को चलाता हूँ और मेरे पास कई सारे यूट्यूब चैनल है बट मैं इंडिविजुअल यानी कि मैं खुद से उसे चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल में यहाँ पे चूज करने वाला हूँ और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नेम एंड एड्रेस में आपको यहाँ पे आपको अपना नेम चूज करना पड़ेगा, तो मेरा जो पहला एडसेंस अकाउंट है मेरे पापा के नेम पे और मैं इसे अपने लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे चूज करूंगा और यहाँ पे एड्रेस लाइन
रिक्वायर्ड यहाँ पे मांग रहा है, यानी कि आपका जो एड्रेस है उससे आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसी एड्रेस को यहाँ भी एंटर करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं इससे सबसे पहले तो इससे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप इसे जब चेक कर लेते हो दोबारा से, उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको सिटी का ऑप्शन। और यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे नेम है उसे आपको ध्यान से फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पे इसका एड्रेस भी ध्यान से फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिटी यानी कि आपका जो सिटी है वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड, और मैं अपना यहाँ पे पोस्टल कोड एंटर करने वाला हूँ। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हो सभी को आपको ध्यान से फिलअप करना पड़ेगा और दोबारा से आपको यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेट का, तो आपको अपना राज्य चूज करना है, तो मैं यहाँ पे बिहार चूज करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टेक्ट, तो प्राइमरी कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको फोन नंबर मांगे जा रहे हैं, तो आप अपना फोन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और उसके बाद जो आपको नीचे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे आपको अपना जीमेल चूज करना है, आपका गूगल अकाउंट जीमेल एड्रेस आपको यहाँ पे चूज करना है, यानी कि गूगल अकाउंट एड्रेस जो होते हैं उससे आपको चूज करने होते हैं। तो मैं इससे चेंज नहीं करने वाला हूँ, जो मेरा गूगल अकाउंट है जितने भी यानी कि एडसेंस में जितने भी चेंजेस होंगे या फिर इसके द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह भेजे जाएंगे वो सब भी मुझे इसी जीमेल पे भेजे जाएंगे। आप चाहते हो इसे चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद नीचे आता है एडसेंस ईमेल प्रिफरेंसेस, तो आपको प्रिफरेंसेस जो आपको चेंज करने पड़ेंगे यानी कि इसे कस्टमाइज करने पड़ेंगे, अपने हिसाब से इसे ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी यानी कि एडसेंस के द्वारा जितने भी ईमेल्स वगैरह जितने भी होंगे यानी कि इसमें जितने चेंजेस होंगे या फिर आपका जितना भी आपके अकाउंट में जितने भी चेंजेस होंगे पेमेंट से रिलेटेड यानी कि हर तरह के चेंजेस का इन्फॉर्मेशन आपको इसी अकाउंट पे यानी कि इस गूगल अकाउंट एड्रेस पे भेजे जाएंगे। और यहाँ पे आप चूज कर सकते हो अगर आप इससे न्यूज रिलेटेड यानी कि नया नया एडसेंस में चेंजेस आएंगे उसके ईमेल प्रिफरेंसेस चाहते हो तो यहाँ पे यस पे चूज करना, और न्यूज रिलेटेड यस, और यहाँ पे गूगल मार्केट सर्च इन्विटेशन यस, और नीचे स्पेशल ऑफर्स भी चूज कर सकते हो, सभी को मैं यस यस करूंगा। और यहाँ पे लास्टली यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी को मैं यस करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट माई एप्लीकेशन यानी कि सबमिट माई एप्लीकेशन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और लास्टली यहाँ पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे गूगल एडसेंस ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विसेज सभी को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, तो यस करूंगा। और यहाँ पे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप एक एडसेंस ओनली वन एडसेंस अपने नेम पे बना सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा एडसेंस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने मम्मी पापा के नेम पे या फिर अपने कोई भाई यानी कि अपने ब्रदर्स या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह के नेम पे आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि अपने नेम पे ओनली वन एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लास्टली मैं यहाँ पे यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और यहाँ पे एक्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि इनके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, रिडायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट आपको कर दिया यहाँ पे आपके YouTube चैनल पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एडसेंस एप्लीकेशन इज बिंग रिव्यूड यू विल रिसीव एन ईमेल अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन सून, यानी कि कुछ समय बाद आपके यानी कि जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा, जब ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपने इससे एडसेंस अकाउंट को क्रिएट किए होंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करते हो, तो थोड़े समय बाद यहाँ पे अप्रूव्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी कि ये अप्रूव्ड हो जाएंगे और आपको एक मेल के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आप इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो ये अप्रूव्ड नहीं होगा। तो आई थिंक कि आप इजिली इसे समझ पाए होंगे कि आप एडसेंस अकाउंट कैसे इजिली क्रिएट कर सकते हो। तो आई थिंक कि आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लोगे और इनके जितने भी गाइडलाइंस वगैरह है सभी को फॉलो करोगे, वरना आप जानते हो अगर आप इनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो अकाउंट है हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, मैं चैनल्स में जाऊंगा और यहाँ पे व्यू यानी कि यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेटेड, यानी कि जो आपका एडसेंस अकाउंट है यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जब आप यहाँ पे वेट कर लेते हो तो मुझे लगता है एक दो दिन के अंदर आपको एक मेल से सूचित किया जाएगा और आपको यहाँ पे एनेबल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और मोनेटाइजेशन एनेबल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट डेज का वेट करिए और नेक्स्ट ईमेल जो आपको एडसेंस की तरफ से भेजे जाएंगे उस ईमेल का वेट करिए और उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट हमेशा के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा और उससे आप पैसे भी अर्न कर पाओगे।
और नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा कि आप कैसे प्रॉपरली एडसेंस यानी कि अपने यूट्यूब चैनल में कैसे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे इसमें एडसेंस से रिलेटेड टॉपिक भी बताऊंगा जिसमें आप कैसे एडसेंस पे अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, या फिर एडसेंस में जितने भी पैसे का लेन देन होता है उस सभी को कैसे आप चेक कर सकते हो।